अच्छा जी गाइस, हम सीसी 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 ए बी सी डी चारों पार्ट्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ए पार्ट है वो थ्योरेटिकल इन नेचर है, वो किसी दिन टाइम मिला तो उस पर भी एक लेक्चर बना देंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कह रहा है कि देयर आर 7 कैंडिडेट्स जिनके नाम है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। 4 विल बी सिलेक्टेड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। कंडीशंस आपको यहाँ पे गिवन है, इधर ए और बी मस्ट बी सिलेक्टेड बट नॉट बोथ, पर दोनों नहीं होंगे, या ए होगा या बी होगा, पर ये आपने मस्ट उठाने, ए में या बी। इसी तरह इधर ई और एफ मस्ट बी सिलेक्टेड बट नॉट बोथ, मतलब ई और एफ में से भी कोई आपने एक उठाना है पर दोनों नहीं। ई के नॉट बी सिलेक्टेड, ई आप तब तक सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप सी ना सिलेक्ट कर लें। इसी तरह जी के नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस बी इज सिलेक्टेड। और आखिर में वो आपको फाइनली कहता है कि इफ एफ इज नॉट सिलेक्टेड, एफ जो है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ 4 कैन बी मेड। और नीचे इसने आपको ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। अच्छा जी, अब ये सारी जो कंडीशंस हैं इनको अगर हम गौर से देखें, एफ तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है, तो इसका मतलब है ई तो लाजमी आएगा हर ग्रुप में। ई लाजमी आ गया तो तीसरी कंडीशन कहती है कि ई से पहले क्या आना चाहिए, सी। ई और सी जो है वो हर जो है कंडीशन में जितने भी ग्रुप बनेंगे उसमें ई और सी तो होगा ही होगा। अब बाकी जो है वो ए और बी में से हम देख लेते हैं कौन कौन से हमने उठाने हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ए पे। पहले हम उठा लेते हैं ए। पहला जो पॉसिबल सिनेरियो है उसमें हमने ए उठाया, बी नहीं उठाया। अब ए उठा लिया, यहां से हम ई उठाएंगे क्योंकि एफ तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। ई आ गया, फिर सी, क्योंकि तीसरी कंडीशन है मेरे पास सी की है। और लास्ट में क्या आएगा, कोई भी आप उठा सकते हैं, जाहिर सी बात है बी, ए बी तो हो गया, उसमें से हमने ए उठा लिया। आपके पास सी भी आ गया, डी, डी आप उठा सकते हैं क्योंकि ई भी आपने उठाया हुआ है, एफ और जी, तो हम यहाँ पे उठा लेते हैं डी। तो एक तो पॉसिबल सिनेरियो ये है कि जो 4 सिलेक्ट हों वो ए ई सी डी। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो, मतलब ए वन ऑप्शन भी हो सकता है, पर हम आगे देखते हैं दूसरा पॉसिबल सिनेरियो। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो जो बन रहा है वो ये है कि हम बी उठाएं। जब हम बी उठाएंगे तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हो गए, ई तो आपको उठाना ही उठाना है, ई के साथ सी भी उठाना होगा, ई बी हो गया, ई और सी भी हो गया। इसका मतलब ए तो हम नहीं उठा सकते क्योंकि हमने बी उठाया, दोनों में से एक उठाना था। उसके बाद सी भी हमने उठा लिया, ई भी हमने उठा लिया, ठीक है जी। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो हम उठाएं डी, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम, तीसरा ऑप्शन क्या है कि या तो हम बी ई सी और जी भी उठा लें, क्योंकि जी के लिए कंडीशन है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो ऑप्शन है, जी कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस बी इज सिलेक्टेड। बी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं विदाउट जी, बट जी कैन नॉट बी सिलेक्टेड विदाउट बी। तो ये बात समझने की थी। तो इस हिसाब से एक ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, तीसरा ऑप्शन ये, 3 ऑप्शन हो गए, चौथा पॉसिबल ऑप्शन बन नहीं रहा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो पॉसिबल सिनेरियो में ये जो आपका क्वेश्चन 3 वाला आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ये एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट है वो हमने सीसी 2020 में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, वो उसका क्वेश्चन नंबर 7A है, वो हम हमारी प्रीवियस वीडियो में भी है, आप वहाँ से दे सकते हैं। लिंक हम जो है वो इस वीडियो के एंड में शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप वो वाला जो उसका सी पार्ट है वो आप वहाँ से दे सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आ गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8।